रखन हार दयाल नानक करके गोले। असी खते बहुत कमावंदे किछे अंत न पारा वार, अर कृपा करके बख्श लै हूं पापी वडे गुणेगा। फिरत फिरत प्रभ आया प्रया तो सरनाई, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाई। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, महला पहला। नाए मनिए पत उपजे सालाही सच सूत, दर के अंदर पाइए तागना टूट सपूत। महला पहला। तागना इंद्री तागना नारी, भलके थुक पवे नित दाड़ी। तागना पैरी तागना हथी, तागना जेवा तागना अकी। वे तगा आपे वते वड़तागे अवरा कते, लै पाड़ करे वे आहु कटकागल दसे राहु। सुन वेको लोका इहो वडान, मन अंधा नाउ सजान। सुन वेको लोका इहो वडान, मन अंधा नाउ सुजान। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु दी साजी निवाजी, गुरु रूप गुरु पैरी सत्संग जो वडभागे हां। यह सोहना समा गुरु दी संगत दा सानू बख्शिश हुंदा है। महाराज ने संगत नू कहा है, सतसंगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वखाणिए। एको नाम हुकम है नानक सतगुर दिया बजाए। ते एक दी सिर तो सलाह होवे, एक दी गल होवे, नाम जपिया जावे, उस नू संगत कहिंदे हन। कोई भीड़ नू संगत नहीं कहिंदे। आओ सच्चे पातशाह जी दे आपां गुरपुरब बड़े चा दे नाल मना रहे हां। प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद, जगत विच उन्होंने आनंद लिया। तारन मनुख कियो प्रगास, उन्होंने साडे वर्गे पापी जीवन तारन वास्ते प्रकाश होया। फिर पढ़ो प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद, तारन मनुख कियो प्रगास। गुरु साहब का प्रकाश साडे वर्गे पापी जीवन तारन वास्ते होया। आओ जो आप पातशाही की बाणी आसा दीवार की बाणी पंद्रहवीं पौड़ी दे दूसरा पदा तीसरा पदा आप विचार कर रहे हैं। नाम ते दो तीन दिन की गल चल रही भाई, इज्जत रहनी नहीं ये नाम तो बिना। महाराज बार बार यही कह रहे, नाए मनिए नाम नू मनना शुरू कर दो, पत उपजे ते तुहाडी इज्जत रह जाएगी। सलाही सच सूत यही असल सूत्र है, यही धागा पाना है, यही सिरसा पाना है। जे नाम नहीं ना फिर कुछ भी नहीं। इत्थे कोई भी नहीं रहा, वेखो जिवें अज रावण दा वो नहीं रहा। भगत नाम जी जी का शब्द है, गहरी करके नीम खुदाई। कहिंदे तू बड़ियां गहरियां नीयां पट्टी बैठा है। आप भी सारे मकान वधिया बनाने ही हैं, पर एक दुख है कि असी वो घर नहीं बरान रहे जिथे असी मन ने जाना है। इत्थे तां वेखो कोई 100 साल या 200 साल रह के चला जाएगा, पर जेडे मन ने अगे आ शरीर छड़ के आप जाना है, सारिया ने जेडे घर विच जाना है वो घर नहीं बना रहे, वो महल नहीं बना रहे। वो निजी महल वो ताड़ा अपना निजी का घर है। निज कर महल पावो सुख सहजे, बोहर न होएगो
वह निजी महल नहीं बनाने जिंद ने साड़ी इज्जत बननी। तो भगत नामदेव जी गल कर रहे हैं उस शब्द में कहते गहरी करके नीम कदाई बड़िया गहरिया नीम पट्टी बैठा उपर मंडप छाए उपर बड़े सोहने मकान बनाई बैठा कहते वेखो मार कंडे ते को अधिकाई जिन त्रिन मूंड बुलाई। कहते मारकंडा ऋषि सी उनके वर्गी उम्र किसी की लंबी हुई नहीं सब तो ज्यादा लंबी उम्र का होया पर कहते उन्हें भी झुग्गी विच रह के गुजारा किया कि मैं तो इतों चला जाना है मैं कदे कोलो मकान पाव मार कंडे ते को अधिकाई जिन त्रिन मूंड बुलाई। अगो कहते हमरा करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ कर तो बिन सजाए झूठी दे। कहते इवें कैरो करते साड़ी जमीन साडा है कहते तुहानू असी एक टप्पा नहीं देना। उस गुरबाणी विच भगत नामदेव जी कहते मेरी मेरी कैरो करते दरजोधन से भाई बारह जोजर छतर छलेता देही गिरजन खाई। कहते जदों चलते सी ना जी वह बारह को तकन उन्हों का अगो सत्कार होंदा सी छतरियां लैके खलोते होंदे सी बारह जोजन बारह मील तकन जदों तुरदे सी वह दुरयोधन वर्गे तो कहते बारह को तकन उन्हों का सत्कार होंदा सी पर जदों कहते मरे तो देही गिरजा ने क्योंकि मारी इन्ने गए सी इन्नी डैथ हो गई सी कि क्योंकि जंग दे विच डैथ बहुत ज़्यादा हो गई सी उन्होंने शरीर संभालने वाला कोई नहीं सी। तो फिर वेखो जिन्हों का अज जिमें दशहरा मना रहे हैं उनकी महाराज गल करते भगत नाम दी कहिंदे सर्ब सोएन की लंका होती कहिंदे सोने की लंका नहीं सी रावण होते बैठते एक जगह ना पातशाह ने उनकी सिफत की कहिंदे रावण होते रंकते जिन सिर दिने काट। कहते रावण कोई गरीब नहीं सी पर फिर भी उन्हें शिवजी ने अपना सिर ला के देता सी ये भाई सिर्फ उन्होंने साड़ी ना जाओ दे गुण भी गुरबाणी दे विच दर्ज किए जो कोई माड़ी मोटी चीज नहीं सी चार वेदा का ज्ञाता सी सानू तो जे जपजी साहब जी का पाठ नहीं याद हुंदा चार वेद उन्होंने जबानी याद सी पर महाराज कहते मूर्खता की गल कर रहे ने सर्ब स्वयं की लंका होती रावण से अधिकाई कहां प्यो दर बांधे हाथी किन में पई पराई। कहते मिनटा में पराई होगी वेखो आप अज जोर लगे भी साडा नाम रह जाए पुत्र जरूर चाहिए ये आपके मन में भुलेखे कढ़ दो ना पुत्रा नाल नहीं बनना जी। वेखो गुरबाणी विच कहा है रावण पर रावण मैं ज्यादा तो पुत्र नहीं तुसी पैदा कर सकते गुरबाणी विच दस्या एक लख पूत एक लख पुत्र सी हुंदा एक लख पूत सवा लख नाती सवा लख पोतरा इन्ने हो सकते ने जी एक लख पूत सवा लख नाती पर कर रावण दिया ना बाती। कहिंदा अखीर ते उहदा दीवा वट्टी करन वाला कोई नहीं सी सारे खत्म हो गए सी। इस करके भाई नाम मेरी गल समझ की कोशिश करो अपनी विचार चाली नाए मनीए पत उपजे तुहाडी नाम तो बिना इज्जत नहीं रहनी जी। सर्ब सोएन की आओ आप पैरा पूरा कर दिए सर्ब सोएन की लंका होती रावण से अधकाई कहां प्यो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई। खिन विच पराई होएगी अगो मारे कहंदे हन दुर्बासा स्यों करत ठगोरी जादव ए फल पाई कृपा करी जन अपने ऊपर नाम दियो हर गुण गाई। दरबासा ऋषि जी इहदी विक साखियां दी छोटी जी आपां विचार लैने आ। दरबासा ऋषि सी भगती वाला सी पर थोड़े जे काले सुभा दा सी यादवां दे मुंडिया नूं एक शरारत सूझी आपां आम ही बच्चे मखौल मखौल करदे ने उन्होंने एक अनदाड़िए बच्चे नूं पेट दे उत्ते बाटी बन के तो रिखी दे कोल मक्षरी करन चले गए।
ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣੀ, ਮਕਸ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦੇ ਦੁਰਵਾਸਾ ਸਿਉਂ ਕਰਤ ਠਗੋਰੀ, ਜਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ, ਜਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਸ਼ਰੀ ਸੁੱਝੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਾੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਕਸ਼ਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਟਲੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਸਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਟੀ ਉਹ ਕਸਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਸਾਈ ਉੱਥੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੱਜ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਸੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਮੱਛੀ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਮੱਛੀ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਹਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੀਰ ਲਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੈ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦੀਵਾ ਵੀ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ, ਯਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੜੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਰਕੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਗਿਆ ਸੀ, ਬੂਟੀ ਉੱਗੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਇਵੇਂ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਵਾਲਾ, ਨਾ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਪਤ ਉਪਜੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਜਪਣਾ। ਆਓ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਜੀ ਭਾਈ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਆਓ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। ये नाम ने रहना, जे नाम रहो साधु रहो, साधु दे बचन रहने, साधु ने रहना, नाम रहो साधु रहो, रहो गुर गोबिंद कहो नानके जगत में किन जपियो गुर मंत्र। जिन्हां ने गुरु मंत्र का सिमरन किया, इस करके भाई नहीं तो नहीं रह। लंका गढ़ सोने का पया, उन्हू महाराज ने मूर्ख कहता, लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया, की लैके चला गया। पर जे नाम कमाया होगा ना, वो तुहाडे नाल जाएगा। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू लै जी छड़ाई, तुहानू नाम छड़ा लेगा। ना ही मनिए पत उपजे, नाम नू मनन करके तुहाडी इज्जत रहनी है। सलाही सच सूत, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह हरदयाल पंडित नू समझा रहे हैं कि असली तू मैनू जनेऊ पान लग्या है, कि कई दिनों की जनेऊ की गल चल रही है। ये चार सलोक जनेऊ बारे ने, उस धागे बारे ने जो हिंदू वीर पाते हैं। महाराज उन्होंने असली सूत्र समझा रहे हैं कि भाई परमेश्वर की सलौता ही करनी असली जनेऊ है। तो सानू भी कहने भी गात्रा पाया कला काम नहीं करना। इस करके ना ही मनिए, नाम नू मनना करो। सलाही सच सूत ये असली सूत्र है, इन्हें नाल जाना है जी। दरगे अंदर पाई तग न टूटस पूत, ये तुहाडा जनेऊ सिफ तो सलाह दा, ये तुहाडे नाल जावेगा। दरगे अंदर पाइए, ये दरगाह दे विच तुहाडी इज्जत टकेगा। तग न टूटस पूत, ये जिहड़ा है जनेऊ टुटेगा नहीं। आओ महाराज आप अगे अज तोरीए गल। हल्ला पहला वो फिर पंडित जी नूं पुछदे ने, भाई तेरे को तू जनेऊ तो पाया, तू आप पाया? कहिंदा जी मैं पाया। कहिंदा केड़ा? कहिंदे धागे दा। कहिंदे आ गुणा दा जनेऊ पाया। वेखो की महाराज समझा रहे ने उस हरदयाल पंडित नूं, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह। तग ना इंद्री तग ना नारी, कहिंदे तू दस अपनियां इंद्रियां ते काबू पाया, अखां ते काबू पाया, नक ते काबू पाया, कन्ना ते काबू पाया। इनू ज्ञान इंद्रे कहंदे ने। आपां उस दिन भी विचार कीती सी कि साडा सब तो वड्डा परिवार है, इनू तुसी सुधारो। आ उपर उपर परिवार जी, आ तुसी इन्हां नू सुधार लिया ना, दोवां अखां नू कन्नां नू निंदिया चुगली तो रोक लिया, जीभ नू रोक लिया, ते तुहाडा परिवार सुधर जाएगा। दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़ी, मन्ने परवारे सदार। महाराज उन्हें कह रहे ने भाई तू इंद्रिया ते काबू पा लिया है, ते फिर मैनू ही पा दे वाला, जे नहीं पाया तो फिर फायदा कोई नहीं है जिने। तग ना इंद्री तग ना नारी, पलके थुक पवे नित दाड़ी। ये तेरिया ज्ञान इंद्रिया तो रोज थुक पवा दिया तेरी दाड़ी। थुक का मतलब बेइज्जती करवा रहे, वड्डे वड्डे बाबियां दी बेइज्जती होंदी है ना जी, कौन करवांदा? ये इंद्रियां करवांदियां जी। इंद्रियां नूं काबू नहीं कीता उत्तो साधु बन गया। साधना किहनूं सी? इन्हां नूं। पर वो साध्या नहीं, वो बेइज्जती करवा दिंदियां। तीजे दिन नशर होया पिया हुंदा, मारे कहिंदे इन्हां ते काबू पा। तग ना इंद्री तग ना नारी, नारी का मतलब है ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री, इन्हां ते काबू पाओ। आपां सारिआं ने पाणा है भाई, आपां भी कृपाना पाईआं ने, कड़ा पाया। जे साडिआं भी ज्ञान इंद्रियां साडे वस विच नहीं, ते आ कल्ले गात्रे ने काम नहीं करना। जे सुण लो ध्यान नाल, सारिआं वास्ते उपदेश है, क्योंकि बाबे नानक जी का उपदेश खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चो वरना को सांझा। इस तरह काबू पाओ भाई। तग न पैरी, अगो वे मारे समझा रहे, थोड़ा जा वध टाइम लगेगा पर आप पैरा पूरा करांगे। तग न पैरी तग न हथी, तू पैरां ते बुरे पासे जान तो रोकिया पैरां नूं, इहनूं जनेऊ पाया। आपां भी रोकना है भाई, मंदे पासे ना साडे पैर जाण।
ठेके वाले पासे ना जान, वेशवे घर वाले ना जान, जुआरियां वाले पासे ना जान। इन्हों की कहना, चरण चलो मार्ग गोबिंद। हे पैरो तुसी उत्थे चलो संगत विच जिथे तुहानू सिख्या मिलनी। इस करके सच्चे पातशाह कहिंदे ने तग ना पैरी। वो धागा तू इन लत्तां नू तां पाया नहीं, पैरां नू तां पाया नहीं, तग ना अखी अखां नू भी नहीं पाया। अखां दा जिने उपी है पर त्रै रूप ना पेखे नेत्र। आ धागा जी असल पराया रूप ना वेखण। देख पराइयां चंगियां मावां भैणां तियां जाने। इस करके इन्हां ते भी भाई जनेऊ पाओ, इन्हां ते भी सच्चे पातशाह कहिंदे ओ चिन्ह पाओ। भलके नहीं तां तुहानूं बेइज्जती होएगी, भलके थुक पवे नित दाड़ी। इस तरह सच्चे पातशाह कहिंदे ने भाई तग ना जीवा तग ना अखी। ना तू जीभ ते कंट्रोल कीता, जीवा कहिंदी जीभ ते, क्योंकि यह भी जीभ जो मर्जी खाधी जाती, चाहे धर्म के नाते खाधी जाते हैं जी, खा लो भंग पी लो, एक धर्म के नाते सब पखंड चलते जी। कोई भंग नहीं पीता सी, कोई मीट नहीं खाते सी, ये असी मूँह के स्वाद वास्ते सब कुछ खाधी जाने। तो वर्तने कि धर्म का नाम काबू पाया नहीं अपने ज्ञान इंद्रिया ते। महाराज कहिंदे तग ना जीवा तग ना अखी, वे तगा आपे वती। तू होर नानू ए धागे पवाई जाना, आप धागे तो बिना ही फिरना। वेखो आप जदों आप शुरू की उन्दे विच सारे गुण ही सी ना, भी केड़ा तुसी संतोख दा दया दा दया दा दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट एहो जनेऊ जी ता हई ता पांडे घत। जे जनेऊ हैगा तो मैनू पा दे। हुण महाराज उहनू समझा रहे हैं उस पंडित नू कि भाई तू जनेऊ पाया। उन्हें सिर फेरता सी, वो साडे नाल वधिया सी जी। मैं कहिंदा उन्हें बाबे नानक नू कहा सी, नहीं सच्चे पातशाह मेरे कोल इह जनेऊ नहीं हैगा। मनता गया सी ना, असीं तां मनदे ही नहीं। वो साढ़े नाल बहुत वधिया सी, उन्हें एक बारी कहा बाबे नानक नू, ते एक बारी उन्हें मान लिया भी मेरे कोल, स्वीकार कर गया कि मेरे कोल जनेऊ ए नहीं। इस तरह सच्चे पातशाह कहिंदे हन वे तग्गा आपे वते वट धागे अवरा कते। तू होरना नू तू धागे पवाई जाना, तेरे कोल तां धागा है नहीं। वे तग्गा आपे वते आप पाई फिरना है, होरना कोल तेनू है नहीं। लै पहाड़ लो हुण साढ़े ते भी गल आनी। लै पहाड़ करे वे आहो कड़ कागल दसे राहो। तू पहाड़ा लैके व्याह करना, कोई भी आ गया। वेखो पुत्रियां दा व्याह चाहे पंडित करे चाहे साडी भाई जी भी सुन लैन सारे, पहाड़ा लैके नहीं करना। जे बाबा नानक कह रहा है लै पहाड़, क्योंकि गुरबाणी सारिया वास्ते सांझी है। कला उत्थे पंडित नूं नहीं कह रहा। वेखो एक तीसरे पातशाह दा वचन है, मैनूं याद आ गया। साई पुत्री जजमान की सा तेरी, कहिंदे जिहड़ी उहदी पुत्री सी तेरी भी पुत्री सी, तू फेरे भी व्याह दे फेरे भी तू पैसे लैके करना। दसो कोई कौन टलदा है जी, दसो मैनूं गुरुद्वारे दे बाहर लिख के लाया पिया भी इन्ना 1100 लवांगे जी फेरिया का। बाबे नानक का वचन असी एक नहीं मनते। लै पहाड़ करे व्याह कड़ कागल दसे रा, ते होरना तू पत्रियां दसना आ दिन चंगा है आ दिन माड़ा है। ये भी सुन लो, कोई दिन भी माड़ा नहीं हुंदा जी, जदों मर्जी व्याह करो। मैं तो कहना जदों कोई नहीं ना करता श्राद्धां च व्याह सिख उदों करन करन, उदो सारे टेंटा वाले वेले होंगे जे सारे वेले होंगे, थोड़ा सस्ता होगा। ये तुसी क्यों वहम भरमे च पाए जी। बाबे नानक रोज गाई जाते जे सतगुर नानक प्रगट, किन्ना चिर हो गया गाँवियां गल मनी जे एक भी। सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानन होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे हंधेर पलोवा। ਕਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਾਇਰੀ ਜੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੈਂਜਕਾਂ ਨੇ, ਪੈਂਜਕਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਕਰ ਵਿਆਹ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ।
इस करके भाई ये मनना पैना तुम गल बाबे नानक दी। इस करके सच्चे पातशाह कहिंदे लै पहाड़ करे विआह, पहाड़ा लैके विआह नहीं करना जी, क्योंकि चलो अमीर दे लैल भी क्या करो ना, मुंडे वालियां को लै लिया करो, मैं भी बेनती कर मुंडे वालियां को लै लिया करो, जे गरीब आ गया ना ते उन्दे फेरे ना कर दे, कोई गल नहीं, गुरु की सेवा वादू देवेगा गुरु। ये साढ़े भुलेखे ने, इस क्यों भुलेखे पाली बैठे जे, ददा दाता एक है सबको देवनहार, दें दे तोट न आवई अगनत परे पंडार। रोज पढ़ दे कीजे, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। इस करके उन्हों ना पलाओ, बाबे दे बचन ना सट्टो भी नहीं जी सू गुजारा नहीं होना, करेगा बाबा नानक गुजारा करेगा। बाबे नानक दे बचन मन के वेखो, पाड़ा लैके विआह नहीं करना, एक पत्तरियां नहीं वेखनिया भी आ दिन चंगा है जी, आ दिन माड़ा आ गया जी, आ फलाना आ गया जी, नहीं, आपदा काम कर वेखो। बस गुरु अगे इको अरदास करो, कीता लोड़िए कम सुहार पै आखिए, कारज दियो सवार सतगुर सच साखिए। बस तैनू असी साखी लै लिया, तैनू गुरु विचोला पा लिया, तू जो मर्जी करी पा के, तो वेखो बाबे नानक नूं विचोला लै पहाड़ करे व्याहो, कट कागल दसे राहो। टाइम ज्यादा हो गया, सुन वेखो लोकां इहो वडाण, मैं कहिंदे मैंने कहिंदे आ मन अंधा नाउ सजाण, आप तां अन्ना है, आप अन्ना तो दूजिआं नूं सलाहां देंदा फिरदा वी आ दो व्याह रख लै। मन अंधा नाउ सजाण की हुंदा सियाणा, कहिंदे आप अन्ना है भाई, अन्ना ही आ, असीं सारे अन्ने आ। हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावे अपन चाली। पर गुरु दी माते चाल के तां वेखो, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहिआ गुरु ने कहिआ ते मन्निआ मन्निआ जे आई तां, जो गुर कही सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। जो गुरु ने दे विच आसा दी वार गा आपां 50 साल तो रहे हैं, हरेक गुरुद्वारे च गई जांदी, मनदा किहड़ा ना ही मनीए पत उपजे। फिर मैं लैवां गल उत्थे, नाम दे मनन तो बगैर, गुरु दे बचन मनन तो बगैर तुहाडी अगे गल नहीं तुरनी जे। तुसीं 40 साल भी इत्थे खलोते जे ते 50वें साल भी पहुँच गए उत्थे खलोवोगे तुसीं, जे गुरु की गल ना मनी। सुनिया मनिया मन कीता पाओ, उन्होंने असल इशनान करिया अंतरगत तीर्थ मल। जिन्नी सुन के मनिया तिन्ना निज कर वास, जिन्होंने गुरु की गल सुन के पाई मन ली, उन्हों का निजी घर वासा कितने करा। माया तो आदि जा रही आ, घर के निजी घर है साडा, अपना ही नहीं वासा हो रहा, साडा मन अपने घरे ही नहीं जा रहा, की करोगे पैसों में की करोगे, जे निजी घर में ही ना गया मन, मन का टिकाणा ही ना प्राप्त होया तो अगो फिर जूना मिल जाएगी। इस करके भाई नाम मनो, तुहाडी इज्जत रहेगी, ना ही मनीए पत उपजे, सलाही सच सूत दरगे अंदर पाइए, तग न टूटस पूत तग न इंद्री पाई। इन्हां इंद्रियां नूं रोको, तग ना नारी, इन्हां नाड़ियां नूं रोको, ज्ञान इंद्रियां नूं भलके थुक पवे नित दाड़ी, नहीं तां तुहाडी दाड़ी ते रोज फिटे मुँह कहणगे लोकी, वेख बाणा पाया ते की काम करदा। भलके थुक पवे नित दाड़ी, तग ना पैरी, ए पैरां नूं रोको मंदे पासे तों, तग ना हथी, हत्थां नूं वी रोको, कड़ा पाया ते मारे नीचे गलों पाया सी, मेरे नाल माड़ा कर्म नहीं करना, इहदे नाल रिश्वत नहीं लैणी। तग ना जिहवा, तग ना अखी, ना अखां नाल माड़ा वेखो, वे तग्गा आपे वत्ते वड़ तागे, अवरा कत्ते लै पहाड़ करे विआह, पहाड़ा लैके विआह नहीं करना जी। महाराज कहिंदे हन कट कागल दसे राहो, ते ना पत्रियां वेख के किसे नूं दसना वी आ दिन माड़ा, तो कोई दिन परमेश्वर ने माड़ा नहीं बनाया, सारे दिन उन्हें चंगे बनाए ने, उन्हें कोई माड़ा दिन नहीं बनाया। कट कागल दसे राहो, सुन लोकां इहो विडान, मन अंधा नाउ सजान। आप असी अन्ने हां ते असी सियाणे बने बैठे, सारिया संगतां दा
कोटान कोट धन्यवाद सारिआं नूं भाई जीओ आयां नूं गुरबाणी की विचार करदे आं सिमरन करदे आं बेअंत बेअंत भुल्लां होणियां सुभावक हन संगत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बख्शनहार हन बख्श लैन आओ फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।